हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोकेश धीमान लेक्चर्स की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस जिसका नाम है सिरिंज पंप। इसका नाम सिरिंज पंप है तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका काम होता है सिरिंज को पंप करना। तो सिरिंज पंप करना इस डिवाइस का काम है इन अ कंट्रोल मैनर, क्योंकि जो भी मेडिकेशन पुश की जाएगी, जो भी फ्लूड पुश किया जाएगा, वो कंट्रोल मैनर में पुश करता है। कंट्रोल मैनर का मतलब है कि अगर मुझे फ्लूड को बहुत स्लो अमाउंट में देना है, सपोज़ करो कि मुझे अगर 1 ml/hr देना है, 1 ml/hr देना इम्पॉसिबल होता है अगर हम मैनुअली इसको दें, 1 घंटे में सिर्फ 1 ml तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सिरिंज पंप से हम दे सकते हैं। मतलब मिनिमम अमाउंट भी हम दे सकते हैं सिरिंज पंप से, या 0.1 ml भी दे सकते हैं, 0.5 ml/hr भी दे सकते हैं। तो बहुत कंट्रोल कम अमाउंट अगर मैं पुश कर रहा हूँ, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम ही अमाउंट देना हो, लेकिन अगर मुझे लार्ज अमाउंट में फ्लूड देना हो, 500 ml, 1000 ml या फिर 2000 ml, तो जो ये डिवाइस है इसमें 2000 ml इसकी हाईएस्ट लिमिट है, इतना हम पर आवर में दे सकते हैं। मतलब 2 लीटर तक हम 1 घंटे में दे सकते हैं। तो मतलब कंट्रोल मैनर में किसी भी मेडिकेशन को पुश करना वो इस डिवाइस के साथ में दे सकते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन इसके इमेज बेस पे बनता है। अगर इमेज बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर इस डिवाइस का फोटो देके पूछें कि आपसे ये डिवाइस कौन सी है, तो आप इसको बता सकते हो सिरिंज पंप। तो एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी सिरिंज पंप की फ़ोटो आपके पास में आए, किसी और दूसरे मॉडल की भी आ सकती है। तो अगर किसी दूसरे मॉडल की आएगी तो क्या खास पहचान है इन सिरिंज पंप की कि जिससे आप उस इमेज को देख के पहचान सकते हो। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर्स की। तो आज हमारा जो ये सिरिंज पंप है, ये सिरिंज पंप है आकाश ट्रूमैक्स मॉडल नंबर है इसका, ये आकाश ट्रूमैक्स का। तो इस मॉडल के साथ में आकाश का जो सिरिंज पंप है वो इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। हालांकि मॉडल कोई भी हो, लेकिन जो इसकी फंक्शनल की हैं वो तो लगभग सेम ही होंगी। तो सबसे पहले इसको पीछे से पढ़ते हैं। तो जो ये ऊपर की तरफ ये दिखाया हुआ है, ये इसका हैंडल होता है जिसको हम कैरी कर सकते हैं पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ पीछे। तो पीछे से ये देखो, ये स्टैंड लॉक होता है। कोई भी अगर आईवी स्टैंड होता है तो आईवी स्टैंड के साथ में हम इसको लॉक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, ये इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है कि कोड के साथ में हम इसको इलेक्ट्रिकली अटैच कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं इसमें जिसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं या फिर हमें मैनुअली अगर इसको सेट करना हो, तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले दी है, ऊपर की तरफ डिस्प्ले पार्ट है और ये सिरिंज का पार्ट है जिसमें हमें सिरिंज सेट करनी होती है। तो इसको ऑन करने से पहले ये देख लेते हैं। इसमें आप इस वाले पॉइंट को देखो, ये लीवर। इस लीवर का काम होता है सिरिंज को पुश करना। जो पंप करने का मेन काम है वो इस लीवर का ही है। तो इसमें 2 पॉइंट हैं हमारे लिए जानने के लिए कि ये वाइट कलर का जो भी पॉइंट दिया हुआ है, इसको जैसे मैं प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद ही इसको मूव कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये मूव नहीं होगा। अगर मैंने छोड़ा हुआ है और मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँ तो ये मूव नहीं होगा। तो मुझे इसके लिए मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रेस किया, इसको मैं मूव अब करा सकता हूँ। दूसरा, इस लीवर लॉक के बाद में एक इसमें दिया हुआ है सिरिंज स्लॉट, ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को देखो आप, तो ये पॉइंट दिया हुआ है सिरिंज स्लॉट है। इसमें सिरिंज का प्लंजर सेट हो जाता है टर्मिनल एंड से, डेमो में देखेंगे। दूसरा है, ये सिरिंज स्लॉट पूरा बना हुआ है, एक सिरिंज लॉक है। इसको लॉक करने के बाद जैसे मैं खींच पुल करता हूँ, इसको पुल करने के बाद मैं इसको घुमा लेता हूँ एकल का, तो ये फ्रीली मूव नहीं करेगा आगे की तरफ को। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो आगे की तरफ, तो इसको पुल करने के बाद जेंटली मूव करना है इसे, ठीक है। ये सिरिंज स्लॉट है, और इस सिरिंज स्लॉट में भी आपको 2 स्लॉट दिखाई दे रहे होंगे। एक तो 50 ml का, यहाँ पे मैं लिखा भी है 50 ml का, और दूसरा है कोई भी छोटी नीली, अगर सिरिंज हमारे पास में 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 इस ml की सिरिंज होती है, तो इसके लिए हमारे पास छोटा स्लॉट है, ठीक है। तो ये सिरिंज लीवर के लिए लॉक करने के लिए ये डिवाइस है। तो ये पढ़ने के बाद में अब हम देखते हैं इसमें ये डिस्प्ले के बारे में। पहले एक बार ये सिरिंज को सेट कर लेते हैं। ये सिरिंज मेरे पास में 50 ml की सिरिंज है, तो 50 ml सिरिंज में लगभग मैंने 60 ml के आसपास इसमें फ्लूड लिया है, फ्लूड के इसमें पानी भरा हुआ है ना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इसको सेट करते हैं पहले। तो सेट करने के लिए पहले मुझे इसको पुल करना पड़ेगा, पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। खींच कर मूव कर दिया मैंने, क्योंकि 50 ml का स्लॉट ये वाला है, तो 50 ml स्लॉट मुझे यहाँ सेट कर देना है। ये मैंने सेट कर दिया 50 ml वाले में, और साथ में मुझे सेट यहाँ भी करना है क्योंकि सिरिंज का एक स्लॉट यहाँ पे है। इसको लीवर को प्रेस करने के बाद में ये पॉइंट, ये देखो आप, तो ये मैंने सेट कर दिया है। ये सेट करने के बाद ये मैंने फ्री छोड़ा, ठीक है। अब ये सेट करने के बाद मैंने इसको डिस्प्ले को ऑन कर दिया है,
डिस्प्ले होना गई है। तो एक पॉइंट ये भी है इसमें कि जो सिरिंज है, सिरिंज को से अटैच होने वाली जो भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो भी होती है इसको पीएमओ लाइन बोलते हैं हम, प्री मॉनिटरिंग लाइन भी होती है या प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन, जो सिरिंज से कनेक्ट होती है, और दूसरा हम आईवी किसी भी कैथेटर से या फिर लाइन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिरिंज, अब इस डिस्प्ले के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया, ऑन वाले बटन से प्रेस करने के बाद ऑन किया, तो यहाँ पे कुछ की आपको दिखाई दे रही होंगी। तो डिस्पो वेन इसने मार्क किया, इसको असेस कर लिया है। देखो जैसे मैं इस सिरिंज लीवर को सेट करता हूँ, तो यहाँ पे डिस्पो डिस्पो वेन 50 ml लिखी आ रही है, और अभी स्टॉप फॉर्म में, स्टॉप फॉर्म में, तो ये रेड कलर का अलार्म भी दे रहा है इधर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फ्लो रेट, फ्लो रेट अभी है ज़ीरो, ज़ीरो क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी फ्लो रेट सेट किया नहीं है। तो फ्लो रेट सेट करने के लिए अब सेट का बटन दबाना है और इसके फ्लो रेट को सेट कर लेना है, कितना भी मुझे सेट करना हो। अब 1.0 ml मैंने सेट किया है, तो 1. ये डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने वैल्यू इधर हैं, पॉइंट जितना मुझे बढ़ाना हो, 1.3, 1.4, तो जितना अभी मैंने 5.3 ये वैल्यू रखी है, ये 5.3 ml पर आर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको ये डिस्प्ले में, 5.3 ml पर आर, डिस्पोवेन 50 ml की अभी स्टॉप है, रेड कलर का अलार्म भी दे रहा है। इसको अगर मुझे चलाना है तो मुझे वापस से सेट करना पड़ेगा, सेट करने के बाद में मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप ये देखो ग्रीन कलर का हो गया, अभी मेडिकेशन इस मतलब पुश होना शुरू हो गई है, ये रन में देखो मेडिकेशन पुश होना शुरू हो गई है। तो ये था कि अगर हमें कोई भी स्लो अमाउंट में मेडिकेशन देनी है, और इसके इंडिकेशन हो सकता है कि अगर मुझे कोई मेडिकेशन एड्रेनलिन देनी है, नोरेड देनी है जब क्लाइंट कार्डियक अरेस्ट की तरफ को जा रहा हो, या फिर कोई भी कीमो क्लाइंट होता है कि जैसे कि हमें कोई कीमो होती है, जैसे एग्जाम्पल 5 FU मुझे देना है, तो वो लगभग 46 आवर या 48 आवर्स के लिए देना होता है, इतने घंटे के लिए देना है, तो मुझे कंट्रोल अमाउंट में ये मेडिकेशन देनी पड़ेगी, तो मैं स्लो स्लो पुश करना पड़ेगा। तो ये था कि जब हम मुझे कम अमाउंट में फ्लूड को इन्फ्यूज़ करना है, लेकिन अगर किसी अमाउंट में मुझे ज़्यादा से इन्फ्यूज़ करना है, जैसे कि क्लाइंट शॉक में जा सकता है, हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो या फिर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो, तो उस वाली कंडीशन में स्लो काम करेगा नहीं करेगा, ये सिरिंज पंप काम करेगा नहीं करेगा, तो उस वाली सिरिंज में भी काम करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये सेट बटन दोबारा से दबाना है, दबाने के बाद एक पॉइंट बनता है यहाँ पे बोलस, बोलस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में फ्लूड को इंसर्ट करना पेशेंट के अंदर। तो ये सेट का बटन दबाया, सेट का बटन दबाने के बाद यहाँ बोलस देखिए, देखो तो फ्लो रेट यहाँ पे सेट है 200 ml पर आर, तो इसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2000 ml पर आर तक ये इन्फ्यूज़ कर सकता है। देखो बहुत लार्ज अमाउंट में इसकी यूनिट है, बोलस अगर मुझे देना होगा तो 2000 ml पर आर मैंने सेट किया, और सेट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलस के बटन को दबा के रखना पड़ेगा, ये मैंने दबा के रखा है, सेट किया, सेट करने के बाद बोलस का बटन प्रेस कर दिया। अब देखो ये बोलस का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ मेडिकेशन में देखो कितनी तेज़ी से मेडिकेशन को पुश कर रहा है, अगर आप ये देख सकते होंगे, तो बोलस का बटन दबा के रखा और मेडिकेशन इस तरह से पुश हो रही है, तो 6.5, ये 7, ये यूनिट भी इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर मुझे बोलस हटाना है तो मुझे इस बटन को हटाना पड़ेगा। तो जितनी मैंने पहले यूनिट सेट की हुई थी यहाँ पे, 5.3 मैंने पहले सेट की थी, तो उसी रेट के साथ में इन्फ्यूज़ करता रहेगा। तो जितना भी मुझे बोलस देना है, बोलस के साथ मुझे बटन को दबाना है, और ये बोलस उसी फॉर्म में देता रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मेडिकेशन होती उतनी तेज़ी से पुश कर रहा है, ठीक है। बोलस जैसे ही छोड़ूंगा मैं, तो जितनी मैंने पहले यूनिट सेट कर रखी है उसी यूनिट के साथ में इन्फ्यूज़ करता हुआ चला जाएगा। रन कंटिन्यू रन है तो इसलिए मेडिकेशन पुश हो रही है, रुक जाता तो अलार्म रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो ये सेट मोड में हमने कम अमाउंट वाला फ्लूड जो हमें देना है या फिर ज़्यादा अमाउंट में देना है ये हमने पढ़ लिया। डोज अगर सेट करनी हो तो डोज सेट कर सकते हैं। इसके बाद है पीसीए, पीसीए मतलब पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक्स, जो क्लाइंट कंटिन्यू एनाल्जेसिक्स पे होते हैं, जैसे कि टर्मिनल इल क्लाइंट है या कैंसर की एंड स्टेज में होते हैं, जिनको हमें कंटिन्यूस पेन किलर देना होता है, तो उस वाले ऑप्शन के लिए हमारे पास में एक पीसीए ऑप्शन भी होता है, इसके थ्रू हम मेडिकेशन दे सकते हैं। अलार्म वाला ऑप्शन है, अलार्म अगर हमें इसका बंद करना है तो हम इसको प्रेस कर सकते हैं, अलार्म इसका बंद हो जाएगा बजना, जैसे बीच बीच में आपको बीप सुनाई दे रही होगी वो बीप सुनाई नहीं देगी। इसके बाद है यहाँ पे 4 मार्क हैं, 4 मार्क हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर का जो भी मार्क आपको दिखाई दे रहा है, अगर बैटरी फुल होगी तो ये ग्रीन कलर का मार्क देगा, अगर एंड होने की तरफ को आएगी तो ग्रीन कलर के बाद में जो सेकेंड पॉइंट है कि बैटरी एंड होने वाली है, तो इस वाले पॉइंट पर बीप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है NREMT दिखाई दे रहा होगा, तो अगर नियर एम्प्टी होगी तो उस पर बीप करेगा। नियर एम्प्टी का मतलब है अगर कोई भी मेडिकेशन ख़त्म होने वाली है,
ख़त्म होने वाली तो नियर एम्प्टी पे बीप करने वाला होगा, 1/3 अगर ये ख़त्म होने वाली होती है तो नियर एम्प्टी पे बीप करता है। उसके बाद है एंड, मतलब अगर मेडिकेशन एंड होगी हो जाएगी तो एंड वाले पॉइंट पे बीप करेगा। नेक्स्ट है OCCL लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये है ओक्लूजन। जैसे भी आपने कोई ये कनेक्ट की हुई है, जैसे ये लाइन है ये आपने कनेक्ट की हुई है और ये क्लाइंट के साथ में कंटिन्यू चल रही है, तो इसके बीच में कभी भी ये प्रेस हो जाए, किंक हो जाए, या फिर इसके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, एयर आ जाए, तो उसके लिए ओक्लूजन वाले पॉइंट पे ये बीप करता है और हमें मार्क बता इंडिकेटर बताता है कि ओक्लूजन हो चुका है। तो ये थे सारे इस सिरिंज पंप के बीच में जितने फंक्शन थे वो हमने सभी पढ़े हैं। तो हमने पहले बात की थी कि अगर कोई और दूसरी कंपनी का या दूसरे मॉडल का अगर हमारे पास में सिरिंज पंप आता है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका पहचानने का एक ही तरीका है कि एक सिरिंज को सेट करने वाला कोई ना कोई तो स्लॉट होता ही है। तो जो सिरिंज को स्लॉट करने वाला एक लीवर होगा, ये डेफिनेट है क्योंकि सिरिंज को पुश यही करता है, तो एक ये लीवर होने वाला है और साथ में सिरिंज को सेट करने वाले स्लॉट होंगे। तो अगर ऐसे कोई स्लॉट होंगे तो डिज़ाइन कैसा भी हो आपके समझ में आ जाएगा। इन दो चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे उस इमेज में, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो ये हैं ये पूरे से ये सिरिंज पंप के ही इमेज यहाँ पे दी हुई है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके समझ आया, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।